नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह, आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार स्वागत करता हूं। आज जो है तो ऐसा शो है कि एक ऐसी लड़की जो बिहार की, उसकी हिम्मत की कहानी मैं आज आपको सुनाने आया हूं और आपको बताने आया हूं कि इस लड़की ने अपने रिजल्ट के लिए कहां कहां लड़ी सिस्टम से और अंत में वो विजय पाई। दिखाने का सिर्फ इतना मकसद था कि देख लीजिए, छात्रों को बोल रहा हूँ, देख लीजिए एक अकेली लड़की कितना सिस्टम से लड़ाई लड़ी। ये लड़कियों के लिए ही तो छोड़िए आप जनाब, ये लड़कों के लिए भी मिसाल बन गई है। तो जानिए, लोग डराते हैं, जानिए जब आप लड़ते हैं तो आप विजय होते हैं। तो चलिए, समय न गवाएं, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस लड़की से, जानना चाहता हूँ कि इसके साथ पहले हुआ क्या था, फिर ये सिस्टम में कैसे लड़ाई लड़ी और कैसे इसने जीता। जब हम लोग फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरे थे सर, तो सर उन्होंने हमसे 3,000 रुपया फॉर्म भरने का लिए। तो हम बोले कि सर 3,000 रुपया लीजिएगा, तो आप नोटिस लगाइए, तब 3,000 रुपया लीजिएगा, हम दे देंगे। वो बोले कि नोटिस नहीं लगता है, जाके अगर करना है तो दूसरे कॉलेज से कर लो। तो सर हम 3,000 रुपया दे दिए। फिर फर्स्ट ईयर का हम लोग का प्रैक्टिकल का एग्जाम था सर, तो बोले कि सबको, सब लड़की को 500-500 रुपया देना है। तो सर सब सब्जी तो हम रिटर्न से दे दिए। जब सकेंडियर का सर एग्जाम हुआ, तो सकेंडियर का प्रैक्टिकल सर कॉलेज में हुआ था, तो वो उसके पास भी आए, तो बोले इसमें भी 500-500 रुपया देना पड़ेगा। फिर दे दिए सर। सकेंडियर का फॉर्म भरने में सर 3,000 फिर से सबसे लिए। तो सर हमसे भी लिए, हमको भी कोई छूट नहीं किया गया। सर जब हम एससी से बिलोंग करते हैं, तो सर 3,000 हमसे भी लिया गया। उसके बाद ईडी टेस्ट पेपर का सर हम वहाँ पे लग रहा था 250 रुपया, सब सब लड़की लोग 250 दी, लेकिन मेरे टेस्ट के सर हमसे सर 1,400 रुपया लिए। 1,500 मांग रहे थे तो हम 1,400 लिए। बताइए सर, इतना पैसा दिए। और उसके ड्राइंग वाले सर थे ना सर, वो ड्रॉइंग वाले सर बोले कि आपको अलग से मिठाई खाने के लिए दोगे तो सब 500 हो जाएंगे। ऐसे बता रहे थे कि गुरु दक्षिणा दो, यहाँ जमा करो, सब 500 हो जाएंगे। सर हम नहीं दिए पैसा, नहीं दिए। तो सर इस बार का कॉपी नोडल चेक हुआ, तो हम तो पैसा नहीं दिए थे, और सर को पता था कि वो सर ज्यादा पैसा लिए, हमको नहीं मिला। तो फिर हमको ये कर दिया गया सर, 16 मार्क्स दे के हमको छोड़ दिया सर। तो फिर हम वहाँ पे गए, तो हम बोले सर देखिए हम अच्छा से बनाए, मेरा कॉपी चेक करवाइए। तो सर जी लोग समझ गए, तो मेरा नंबर चढ़ाए, पता नहीं कितना चढ़ाया ये भी नहीं पता। बोले कि ठीक है, जाओ इस बार हो जाएगा। वो एडवांस नहीं कर रहे थे सर मेरा, बोल रहे थे कि सबको बोनस मार्क मिलेगा। तो हम बोले सर एक आईटीआई टॉक सर है, उनसे उनका चैनल देखिए, वो जो भी बताते हैं वो सही बताते हैं सर, बोनस मार्क नहीं मिलेगा। तब जाके सर मेरा आखिरी दिन में मेरा एडवांस किए, तो डिवांस करने के पश्चात देखिए सर आज मेरे फिर अच्छा हो गया सर। सर आप समझिए सर, हमारे गांव में महाजी कॉमेंट में बताए कि 9 तक भी हमको जाना पड़ता है। इतना मेहनत की, हम सेकंड ईयर का टॉपर भी रहे सर। सेकंड ईयर में टॉपर रही हो तुम? यस सर, हम टॉपर सर्टिफिकेट भी आपको भेज सकते हैं सर, हमको सम्मानित किया गया था सर। सर मेरे टाइम में 2 प्रिंसिपल चेंज हुए, एक शक्ति सर थे पहले का, उसके बाद एक शिवान का सर थे, तो वो दोनों चेंज हो गए सर, ट्रांसफर हो गया दोनों सर का। तो सर अभी नए वाले प्रिंसिपल आए थे। सर मेरा प्रैक्टिकल भी प्रिंसिपल सर ही लिए थे सर, तो वो सबसे अच्छा जवाब मेरा रहा था सर। इस बात का गवाह सीसी कैमरा निकलवाइए सर, वो मेरा प्रैक्टिकल लिए थे सर। तो फिर बाद में सर फोन आया कि सबको 500-500 रुपया देना पड़ेगा सर। जब सब दे दी तो सर हमको भी, तो हम क्या करते, हम भी मजबूर थे, हमको भी देना पड़ता था। ये कौन सी आईटीआई है? गवर्नमेंट आईटीआई है? यस सर, गवर्नमेंट आईटीआई, वुमेन्स आईटीआई मधेपुरा है सर। यस सर, इस बात का सर आइए सर, हम यहाँ पे हम आप भेजिए सर ऑफिसर को, हम यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं सर यहाँ पे। हम सर हम ये भी बोले कि जो हम इतना मेहनत किए, हम 16 मार्क्स के लिए लिख सकते हैं क्या? हम 1 मार्क के लिए नहीं लिख सकते हैं? मेरा ड्रॉइंग आप देखिए, फिर से कॉपी चेक कीजिए। ये जानबूझ के तुमको फेल किए सर। एक दूसरे सर बोले क्या छोड़ो, गलती हो गया, इस बार ग्रीवांश में तुम्हारा सही कर दिया है, छोड़ो इस बात को बंद करो। तो हम बोले ठीक है, ग्रीवांश में मेरा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन सर फिर भी हम रिजल्ट कल भी रिजिटी से बात किए, तो सर वो बोले कि आज हो जाएगा। जब शाम में देखे तो सर हम भी पूरा ये हो गए।
नहीं तुम्हारे भर नहीं बेटा, तुम्हारे भर नहीं, बहुत सारे लड़कों का हमारा संदेश आ रहा है, पूरी रात आ रहे, पूरे दिन में आ रहे हैं कि बहुत सारे लड़कों को ऐसे कर दिए, खेल कर दिए, और सारे लड़के ऐसे बोल रहे हैं। तुम रो नहीं, रो नहीं, अभी हम राजीव रंजन जी से सुबह हो जाए, राजीव रंजन जी से बात करता हूँ मैं बताता हूँ राजीव रंजन को, है ना। रो नहीं, रो नहीं, तुम टापर रही हो, रो नहीं। देखो अब बात सही है, अब मैं खुद दुखी हो गया तुम्हारे ये सब चीजों को लेकर के, मैं क्या बताऊं यार बेटा, कि माने ये पैसे के लिए, पैसे के लिए ये ऐसे, ये तुमने सब रिकॉर्डिंग किया भी था ना पहले? सर रिकॉर्डिंग पैसा वो ऑनलाइन नहीं लेते थे सर, बोलते थे कि सब यहाँ पे आके दो, तो एक लड़की थी वो सिंधु नाम की, वही सब का कलेक्शन करती थी, तो आप ही उसी को देते थे, वो सर को देते थे, बोलते थे हमको सर जी वो है पैसा देने के लिए, तो हम उसी को सब देती थी, तो हमको भी देना पड़ता था सर। हाँ वो तो देना पड़ेगा, दबाव के कारण तो पैसा देना पड़ेगा ना भाई। कौन सी बहुत बड़ी एज है तुम्हारी, कितनी साल की हो? 19 साल का। बताओ तुम 19 साल की अभी बच्ची हो, तुम क्या जानो हर चीज यार, डर तो रहता ही है। घर वाले तो यहाँ पे बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते। अरे माय गॉड, मेरे से जितना कुछ होता है मैं इस शिकायत को डीजीटी तक ले जाऊंगा, चिंता ना करो। और मैं तो कल मैं वीडियो बनाऊंगा, तुमको बताऊंगा पीएमओ में कैसे शिकायत करना है और कहाँ करना है। ये ऐसे चुप मैं नहीं रहूंगा, मैं अभी राजीव रंजन को मैं भेजता हूँ, है ना। हाँ तुम हिम्मत, मैं मेरा नंबर है तुम्हारे पास, कभी भी फोन कर सकती हो, मैं भी राजीव रंजन से बात करके मैं फिर बताता हूँ। और ये जो दो अधिकारी है इन्होंने पैसा लिया है, इनका नाम क्या था, इनका नाम बताना मेरे को। यस सर। इनका किसी का मोबाइल नंबर है? यस सर सबका है। हाँ तो मेरे को भेजना। हाँ तुम शांत रहो, मम्मी पापा तो दुखी नहीं हो रहे हैं, वो शांत रखो, तुम रोगी तो वो भी हो जाएंगे। कोई आईटीआई तुम्हारी कोई जिंदगी नहीं है, तुम टापर लड़की हो, हिम्मत ना हारो, है ना। ये कोई तुम्हारे जिंदगी का पहला वो नहीं है, यू आर टापर, है ना। आगे चल करके बहुत कुछ करोगी, लेकिन इनको मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इतना बता दे रहा हूँ, इनको नहीं छोड़ूंगा। और तुम जो है ना, तो बहुत सारे लड़कियों का, बहुत सारे लड़कों का एक वो बनोगी, मिसाल बनोगी, तुमने हिम्मत किया है ना। ये नहीं इसीलिए लड़कियों को, ठीक तुम कह रही हो कि इसीलिए लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं लोग। तुम रो नहीं बेटा, मैं राजीव रंजन से बात करके फिर मैं बताता हूँ, मैं राजीव रंजन से बात करूंगा और डीजीटी तक भेजूंगा मैं सब चीज। हाँ वेट करो। तो हेलो नमस्कार, कैसी हैं आप? हाँ प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, मैं आईटीआई बिहार से। हाँ जी सर, मेरा प्रॉब्लम, आप पहले आपके चैनल पे सर हम कमेंट कर चुके हैं सर, मेरा प्रॉब्लम था कि जी हमको फर्स्ट ईयर में ईडी का बैक लगा था, ठीक है, ईडी पेपर का जी। तो सर उसका हम फिर से 6 तारीख को, 6 फरवरी को जो मेरा एग्जाम हुआ था सर, हमने एग्जाम दिए थे जी। तो सर उसको वो पेपर को हमको फेल कर दिया गया था जी। फेल करने के बाद सर हम सोचे कि अब हम क्या करें, तो फेल करने के बाद सर हम ग्रीवांस करवाए जी, कॉपी रीचेक करवाए, तो ग्रीवांस करने के बाद मेरा क्या जी हुआ, उस बीच में नंबर मेरा भेजा गया, बट मेरा रोल नंबर उसमें नहीं भेजा गया सर जी। रोल नंबर भेजने के बाद सर उस बार मेरा रिजेक्ट हो गया, रोल नंबर नहीं भेजने की वजह से फिर सर हम आखिरी उम्मीद तक गिर चुके थे सर। सर हम आपको चैनल देखते थे सर, तो सभी से मेरे दिमाग में आया कि जो भी कुछ कर सकते हैं सर आप मेरा कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले सर और भी स्टूडेंट काम कर चुके हैं सर जी। तो सर हम फिर से ग्रीवांस रिचेक करवाए कॉपी, तो मेरा नोडल
को भेजा, स्टेट के पास कर गया मेरा सारा कागजात, वो वहाँ तक ठप कर दिए थे सर, वो मैं आगे काम नहीं कर रहे थे सर, तो नहीं कर रहे थे तो सर, सर लोग हम बार बार फोन करते थे सर, हमको डांट रहे थे सर, तो हम आपके द्वारा सर आपसे बहुत हेल्प लिए, तो सर आप मेरा बहुत हेल्प किए सर, फिर हमको डीडीटी से बात हुई सर, सर डीजीटी से जब बात हुई तो उन्होंने डेट पर डेट लेते थे, डीजीटी हेल्प डेस्क से भी बात किए तो उस बार फिर मेरा रिजेक्ट कर दिया गया था सर, तो रिजेक्ट करने के बाद सर फिर हम आपसे बात किए तो आप सर, मैं हमको लड़ने तक पूरा दम सर आप दिए और हम लड़ते रहे सर जी। लड़ने के आखिरी दिन तक सर फिर हमको विदित सर से बात हुई, डीजीटी से सर मुख्य इंजीनियर विदित सर से बात हुई, मूर्ति सर से बात हुई, बात हुई तो सर उसके बाद सर मेरा रिजल्ट आज से चार दिन पहले पांच दिन पहले सर मेरा रिजल्ट को ठीक किया गया सर। मैं ये जानना चाहता था कि ये प्रॉब्लम हुई क्या, क्यों थी तुम्हारी, तुम क्यों फेल, शायद तुम टॉपर भी रही हो। यस सर, हम सेकंड ईयर का टॉपर स्टूडेंट रह चुके हैं सर। आपको सम्मानित किया गया था प्रमाण पत्र दे करके। या सर, हाँ सर, आपके पास हम अपना प्रमाण पत्र सर हम भेजे भी थे सर। हाँ, डीजीटी के पास भी मैंने भेजा था, आपका प्रमाण पत्र भेजा था। आप बताइए आपको फेल क्यों, आप वास्तव में फेल थे, एक टॉपर लड़की कैसे फर्स्ट ईयर में फेल हो सकती, कारण क्या था इसके मेन, आप टीचरों का नाम न बताइए, आईटीआई का नाम न बताइए, लेकिन लड़कियों को और लड़कों को ये चीज बताइए कि क्या चीजें गलत होती है तो उसको कैसे जो है तो सिस्टम से लड़ा जाता, हुआ क्या था, आप पूरी चीजें बताइए सर। हुआ क्या कि हमको क्यों फेल किया गया इसका, तो हम गए अपने नोडल से बात किए सर, नोडल से बात किए कि हमको क्यों फेल किया गया, तो उन्होंने सर मेरा कॉपी नहीं निकाले सर, कॉपी जब बाद में निकाले तब स्टेट डायरेक्टर क्या बात हुई सर रंजन सर से, फिर मालूम नहीं सर, इसी बीच में सर हम फिर से कॉपी रिचेक करवाए तो उस टाइम में प्रिंसिपल सर नहीं थे, प्रिंसिपल सर का दो जगह का इंचार्ज मिला हुआ है सर, दो तीन प्रिंसिपल सर नहीं थे। तो जब आपको फेल किया गया तो उसके पीछे क्या कारण था, क्या आप लोगों से पैसा मांगा गया था, आप लोगों ने पैसा दिया क्या, और अगर पैसा नहीं दिया तो ये दिक्कत खड़ी हुई। यस सर, आपको भी ये बात लगता होगा कि सर हम प्राइवेट आईटीआई को सर पास किया गया सर, और हमको क्यों फेल किया गया जबकि हम टॉप स्टूडेंट रहे सर, यही सवाल हम कॉलेज अपने नोडल लेके गए सर, तो वहाँ कौन किसी, यहाँ पे सर तनाशाही चलता है सर, कोई किसी का ये इतना ये नहीं करते हैं सर, तो सर यही सब कारण था। और पैसा तो आपके पास, आपको पता है कि सर हम लोग का कोई नोटिस नहीं चिपका था, पैसा फॉर्म भरने में लिया गया 3,000 तक। एक चीज मैं बता दूं कि इस लड़की से जब पैसे की मांग की गई, 3,000 के लगभग मांग की गई थी, ठीक है ना, उस समय पर ये लड़की ने 500 रुपए देने से मना किया था, इसने मेरे को बताया सारी चीज़ें, 500 रुपए देने से मना कर दिया, क्योंकि इसको शायद कुछ प्रॉब्लम थी, पेट में इसके कुछ प्रॉब्लम थी, ब्लड वर्ड आ रहा था, इसने हाथ जोड़ा टीचर से कि सर जो है तो आप 500 रुपए छोड़ दीजिए, मैं दवाई के लिए रखी हूँ, वो नहीं माने और वो 500 रुपए नहीं देना, जिसके कारण ये हुआ। दूसरी चीज़ें क्या हुआ कि इसके बाद फिर जब इससे पैसा मांगा गया, 1400 रुपए मांगे गए, वहाँ पे भी लड़की ने बोला कि आप नोटिस लगा दीजिए, जो पैसा मांगा जा रहा है वो हम पैसा देंगे अगर गवर्नमेंट मांग रही है तो अगर गवर्नमेंट नहीं मांग रही है तो आप किस बात के पैसा ले रहे हैं। बस इतना सा इसका जो सवाल है ना, इतना जो सवाल है इसका जो है तो भारी पड़ गया और इसको जो है तो फेल कर दिया गया। मैं बताऊँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ना आईटीआई का नाम लेना चाहता हूँ और ना ही मैं किसी प्रिंसिपल और उनको नाम लेना चाहता हूँ, चूँकि इस लड़की की मैं एक चीज़ ईमानदारी बता रहा हूँ, जब मैंने इस लड़की के केस को लेकर के डीजीटी में गया और वहाँ बड़े अधिकारियों को बताया, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग, जब ये लड़की रोई है ना, मैं आपको थोड़ा सा भाग दिखा दूंगा आगे, लेकिन मैं पूरी चीज़ें नहीं दिखाऊंगा, जब ये लड़की रोई है ना तो आत्मा फट गई, आप समझिए, डीजीटी के बड़े बड़े अफसर तक कांप गए थे इस लड़की के चीज़ों से। ये लड़की कह रही थी कि हमको जो है तो कोई खैरात में चीज़ मत दीजिए, मेरा हेल्प मत कर दिए, बस जो मैं कापी में लिख हूँ वो मेरा दे दीजिए, अगर मैं फेल हूँ तो मुझको फेल कर दीजिए, अगर मैं पास हूँ तो पास कर दीजिए। और एक चीज़ और,
इसने ने बोला कि सर किसी की शिकायत करके नौकरी मत लीजिएगा, उनके भी मेरे जैसे बच्चे हैं, उनको तकलीफ क्यों होगी, उनकी क्या गलती। इस बच्ची की ईमानदारी को मैं सलाम करता हूं, लेकिन सिस्टम से लड़ी, ये नहीं चाहती है कि जो इसको पढ़ाए हैं, जो गंदगी फैलाए हैं, उन पे कोई कार्रवाई हो। ठीक है, आगे चल करके बात करते हैं फिर। हाँ, अब आप बताइए। Yes, sir. हाँ, तो सर, फिर आपको पता है कि मेरा तीन तरह का डिजिटिव के पास मेरा डेटा गया है, 16, 27, 17। और फिर एक में कंप्रोमाइज अपने को करना पड़ा कि भाई 17 नंबर जो मिला है उसी को दे करके आप रिजल्ट घोषित कर दो। लेकिन इसके लिए बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी, इसकी जो है तो डीजी मैडम से भी बात हुई, मूर्ति सर से भी बात हुई, विधि सर से भी बात हुई, काफी परेशान हुई। लेकिन एक चीज बताओ बेटा, लड़ना पड़ता है तभी हर चीज मिलती है कि घर में बैठे मिलती है, आप ये बताओ। यस सर, लड़ने के साथ साथ सर आपके जैसे सर सही और ईमानदार आदमी भी होना जरूरी है सर, क्योंकि आप हर तरह का मार्गदर्शन दिखाते हैं सर। स्टूडेंट के कहा जाए तो सर, स्टूडेंट के जितने भी विद्यार्थी आईटीआई का स्टूडेंट सर, उनके लिए आप एक अच्छे मार्गदर्शक, एक अच्छा प्रेरणा के रूप में है सर आप। नहीं नहीं, आप जैसे बच्चे जो हौसला करती है ना, 19 साल की लड़की है, देश दुनिया के बारे में कुछ जानती नहीं है, है ना, लेकिन इतना इसको पता है, इतना इसको पता है कि अगर आप रिश्वत ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो, ये सबसे बड़ी चीज है। इसने सवाल किया, उस सवाल का इसको जो है परिणाम गलत जरूर मिला, लेकिन भले बाद में सही हो, लेकिन इसने लड़की ने हिम्मत किया, पूछा आप क्यों पैसा ले रहे हो, आप बताइए। अगर आप पैसा ले रहे हो तो नोटिस लगाइए, नोटिस लगाइए, हम उसको देंगे। क्या करते हैं आपके माता पिता? हमारे पापा लेबर है, मम्मी घर की काम करती है सर। अच्छा, और मैंने सुना है कि तुम्हारी छोटी वाली बहन की शादी हो रही है। यस सर, यस सर। और तुम्हारी अभी नहीं हो रही, तुम माने कुछ बनना चाहती हो। यस सर, बिल्कुल सर। और घर के घर का ठीक है, माँ बाप का साथ दो, और अपने घर में और जो बच्चे हों उनको पढ़ाओ आप, और प्रेरणा बनो, हमसे जो भी मदद आगे होगा भविष्य में, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि मैं आपकी मदद करूँगा। लेकिन मैं आप सभी लड़कों से बता दूँ कि इस लड़की के जो हिम्मत की दाद देख लीजिए आप, और इसके साथ गलत हुआ तो उन जो गलत किए ना उनको इस लड़की ने माफ भी किया है, है ना। हालांकि अफरा तफरी मच गई थी, क्यों, दिल्ली से फोन आया तो तुम्हारे यहाँ के राजीव रंजन से लेकर के प्रिंसिपल उंसिपल लोग सब बिल्कुल तुमसे ये कहने लगे थे कि शिकायत आगे ना करो, ये सब चीजें बहुत दिक्कत खड़ी हो जाएगी, मान मनौती करने लगे थे। यस सर, बिल्कुल, है ना। तो चलो ठीक है, सबको तुमने माफ कर दिया ना। देखिए, डीजीटी के मूर्ति सर ने आपको क्या बताया था कि देखो बेटा जांच होगी, इसकी जांच होगा कि उन्होंने तुमको क्यों फेल किए थे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि देखो कोई तुमको फेल को पास नहीं करते हैं, ठीक है ना। आप सही थे, आपने लिखा हुआ था, आप मैरिड वाली स्टूडेंट थे, थोड़ी सी कार्रवाई में होता है, उन्होंने लेटर भेजा, आप जानते हो कि आप तो बात कर रहे थे कि मूर्ति सर ने लेटर भेजा, तुरंत मैंने 24 घंटे के अंदर लेटर भिजवाया, आपके राजीव रंजन जी के पास आया, राजीव रंजन जी से भी मैंने बात किया, उन्होंने मेरे से बोला कि सर मैं इसको 24 घंटे के अंदर करवाऊंगा, फिर थोड़ा सा शनिवार इतवार छुट्टी के बीच में माहौल हो गया था, फिर भी थोड़ा सा एक हफ्ता टाइम लगा, फिर आपके प्रिंसिपल लोगों ने लिख करके भेजा, वो करके 10-15 दिन आपके टाइम लग गए, 15-20 दिन टाइम लग गया, लेकिन आपका जो सही चीज थी, सही जांच जो हुई, आपका रिजल्ट घोषित हुआ और आप जो है तो सफल हुई। ये आपने लड़ाई लड़ा, जब मैंने आपसे सब जगह बात करवा रहा था तो आप लड़ाई खुद लड़ी है, आप जीती हैं, मैं नहीं जीता हूं, आप जीती हैं, और आप जो है ना बहुत सारी लड़कियों का प्रेरणा स्रोत हैं। सर, नहीं सर, इसमें हमारी जीत में सर आपकी बहुत बड़ी योगदान रही सर। नहीं नहीं, बहुत बहुत बहुत, हमारा तो देखिए काम है अवेयरनेस करना, और लड़कों को मैं ये बताता हूँ। अच्छा, एक गलत फहमी आप लोगों की ये हो गई थी कि ग्रीवांसेस कर दोगे, आपको ये किसी ने बता दिया था, किसी यूट्यूबर से आपको पता चल गया था कि माने ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा, है ना। यस सर, वो तो बहुत सारे यूट्यूबर बता रहे हैं, एक लड़की हो मैम है शिवानी करके, वो भी बता रही थी, आपको नोडल से भी बताया गया कि आपको मिलेगा, ये ग्रेस मार्क मिलेगा। हम सर कभी बोले कि मेरा ग्रीवांस करना मेरा राइट बनता है। हाँ, और मैंने शो में बताया था, मैं पहले बताया था कि भैया
ग्रेस मार्स नहीं मिलेगा। ग्रेस मार्स को स्पेशल कोरोना के टाइम पे जब मैंने बहुत लड़ाई लड़ी थी सेक्रेटरी साहब से और जो डीजी साहब से अतुल कुमार तिवारी जी थे, तब मिला था कि कोरोना के चक्कर में अगर स्टूडेंट नहीं पढ़ा है, चाहे पहले थ्योरी में मिली फिर मैंने प्रैक्टिकल में भी करवाया, तो वो मैंने बहुत लड़ाई लड़के करवाया तब ग्रेस मार्स मिला था। ऐसा नहीं होता है कि हर जगह आपको ग्रेस मार्स मिलेगा, उसके कुछ कारण होते हैं, उसके कुछ रूल रेगुलेशन है। तो तब आपने जो है तो मेरी बात मान करके ग्रीवांसेस करवाया था। यस सर, यस सर, हमको बार बार बोला जा रहा था नोडल से कि नहीं तुम्हें मिलेगा मिलेगा, हम तभी सर मना कर दिए कि नहीं, ग्रेस मार्क मेरा अधिकार नहीं है, लेकिनी का देना अधिकार बनता है, मेरा अधिकार बनता है कि हम ग्रीवांस करवाए। अच्छा, आपके जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं वो कभी माने डरती हैं, वो कहीं जाती नहीं है भाई, बहुत कुछ हो जाता है कि और बिहार में खासतौर से छोटी जाति की माने जो है लोग, मैं तो जाति नहीं मानता हूं, मैं कभी भी जाति नहीं मानता हूं कि मैं जर्नल हूं, तुम ओबीसी हो या एससी हो या एसटी हो, मैं नहीं मानता। मेरे लिए जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट जो होता है वो किसी जाति धर्म का नहीं होता, वो सिर्फ छात्र होता है, मेरे लिए छात्र होता है, मैं उसकी आवाज़ उठाता हूँ। आप हमको ये बताइए कि आप बहुत सारी लड़कियों के लिए क्या कहना चाहती हैं, फिर लड़कों के लिए आप बताइए। सर, हम यही कहना चाहेंगे कि वो अगर सच्चाई है तो सच्चाई के साथ लड़े, कहीं अपना घूस नहीं दे, अगर कोई घूस मांग रहे हैं तो वहाँ बिल्कुल नहीं दे, और जो अपना अधिकार है वो अधिकार को पहचाने, उसके थ्रू वो अपना लड़ाई लड़े। लड़कों को क्या कहना चाहती है? सर, उनको भी मेरे बड़े भाई करने वाले आईटीआई मेरे छोटे भाई हैं, उनको भी मैं ये कहना चाहेंगे कि वो कहीं भी अपना घूस नहीं दे, अगर उनको कोई बहकावे में ला रहे हैं तो उस बहकावे में बिल्कुल नहीं जाए, और मेरे ही जैसे वो रेगुलर कॉलेज जाए, कॉलेज में पढ़ाई, वो पीडीएफ सब कुछ नहीं है, वो पीडीएफ रटुमल का काम है, वो रट के पास करने से वो कहीं काम नहीं आने वाला है। बिल्कुल सही बोल रही है लड़की की, पीडीएफ रट करके कुछ नहीं काम, आप स्किल होंगे तभी होंगे, बताइए एक टॉपर लड़की है, इसको जो है तो सम्मानित किया गया है, हमारे पास प्रमाण पत्र है इसका, कहिएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो ये एक लड़की थी, चलिए धन्यवाद आपका, धन्यवाद, टाइम लिया मैंने आपका, धन्यवाद आपका, थैंक यू। एक ये लड़की थी, थैंक यू सर। ओके 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 ओके, मुझको लगता है कि आज का कार्यक्रम आपको बहुत पसंद और प्रेरणादायक होगा, आज का कार्यक्रम आपका प्रेरणा स्रोत बनेगा। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा, और ये आईटीआई टॉक शो देखते रहिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आज का भी दिन शुभ हो आपका, और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूँ। एजी टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से आईटीआई टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में एनसीबीटी एससीबीटी आईटीआई खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।